पीएम नरेंद्र मोदी ने धर्मशाला में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए 7 नवंबर को आना था, लेकिन उनके आगमन से पहले एक दिन पहले ही एयरफोर्स ने पीएम के चौपर की धर्मशाला में लैंडिंग करवाकर पीएम के आने की रिहर्सल की। पीएम नरेंद्र मोदी ने धर्मशाला में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए 7 नवंबर को आना है, लेकिन उनके आगमन से एक दिन पहले ही एयरफोर्स ने पीएम के चौपर की धर्मशाला में लैंडिंग करवाकर पीएम के आने की रिहर्सल की। पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए 7 नवंबर को धर्मशाला आएंगे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के इंडियन एयरफोर्स के विशेष हेलीकॉप्टर धर्मशाला सिंथेटिक ट्रैक में लैंड हुए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए थे। हालांकि हेलीकॉप्टर में पीएम नरेंद्र मोदी सवार नहीं थे, लेकिन उनके आने से पहले इंडियन एयरफोर्स ने सिंथेटिक ट्रैक में पीएम के हेलीकॉप्टर को लैंड करवाने का अभ्यास किया। इस दौरान सफल लैंडिंग के बाद साइट को ओके कर दिया। इससे पहले भी 27 दिसंबर 2018 को धर्मशाला पहुंचने पर पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर ने सिंथेटिक ट्रैक के मैदान में ही लैंड किया था। इस मर्तबा कांगड़ा एयरपोर्ट के साथ साइन ग्राउंड और रक्कड़ हेलीपैड को भी विकल्प के रूप में रखा गया है, लेकिन 7 नवंबर को पीएम का हेलीकॉप्टर धर्मशाला के सिंथेटिक मैदान में उतरेगा, जहाँ से पीएम पुलिस मैदान में पहुंचेंगे। के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। दोनों ही कोनों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फायर टेंडर्स हमारे लगे हैं, और इसके साथ जो है फायर फाइटिंग के लिए जो भी साजो सामान है वो पूरा फ्लैंकिंग में हॉजेस वगैरह लगा रखे हैं। FB-5X है और फोम भी सफिशेंट क्वांटिटी में यहाँ रखा गया है। अगर कोई भी इस तरह की दुर्घटना होती है तो उसको इंसिपिएंट स्टेज पे ही कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो सुरक्षा आपकी व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से कर दी गई है। जब प्राइम मिनिस्टर के साथ है वो 3 हेलीकॉप्टर आएंगे और तीनों इसी ही ग्राउंड पे उतरेंगे, और इसी को देखते हुए यहाँ पर दोनों ही तरफ हमने जो है वो अपने फायर टेंडर जो है वो डिप्लॉय कर दिए हैं। ठीक है।